और जब हम क्लास 9th में पढ़ते थे तो हमारे ट्रायंगल्स के चैप्टर में होता था कॉन्ग्रुएंट, है ना? क्लास 9th में था कॉन्ग्रुएंट, लेकिन 10th में आ गया सिमिलर, और दिखते तो दोनों ही ट्रायंगल। अब इसमें अंतर क्या है या क्या चीज है? तो कॉन्ग्रुएंट का निशान जो होता है दो लाइन खींच के ऐसे होता है, सिमिलर में ऐसे होता है। अब कॉन्ग्रुएंट में हमको ट्रायंगल के अंदर कोई तीन चीजें ढूंढनी होती हैं जो हमें प्रूफ करनी होती है कि वो एक दूसरे के लिए सेम है। उसमें दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड, तीन एंगल, तीन साइड, ऐसे करके होता था। लेकिन सिमिलर में हमको अगर केवल दो चीजें भी मिल जाती हैं तो वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगल को प्रूव रूफ करना नहीं सिखा रहे, हम अब यहाँ पर ये बताएंगे कि आपके चैप्टर। तो ट्रायंगल में पहली चीज है कि जैसे मान लीजिए हमारे ये दो ट्रायंगल है, जो जो हमको याद रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए बेटा ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये साइड है ए बी सी डी ई एफ। तो ये वाली साइड अगर हम लेंगे तो हमको ये साइड लेनी पड़ेगी, यानी ए बी अपॉन डी ई, इसी तरीके से बी सी अपॉन ई एफ, यहां पर ए सी अपॉन डी एफ। ये साइड इक्वल नहीं होगी कि ये थ्री है तो ये थ्री है, मैं ये नहीं कह रही, इनके रेशियो इक्वल होंगे। कि मान लो अगर ये थ्री है, मान लो अगर ये सिक्स है, ये मान लो फोर है तो ये एट है, ये सेवन है तो ये 14 है। तो अगर हमने रेशियो निकाले तो 3/6, ये 4/8, ये 7/14, और सब में रेशियो कितना आ गया 1/2। ये रेशियो सेम होते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो, मतलब मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि पहले से दिया गया है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो उनकी जो साइड्स जो होती हैं उनके रेशियो आपस में सेम होते हैं। अब यहां पर अभी हम एक क्वेश्चन ले लें इसी तरीके से। अगर मैं आपसे कहती हूं कि ये 4 है, ये 5 है, इधर से मैं ये हटा दे रही हूं, ये सब हटा दे रही हूं, और आपसे मैंने कहा मान लीजिए ये मैं मान लो 3 ले लेती हूँ और ये 5 ले लेती हूँ, ऐसे ट्रायंगल दिए हुए, ठीक है ना, ऐसे ट्रायंगल दिए हुए मान लीजिए, और हम आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम आपसे पूछें कि ये साइड जो डी ई है इसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, ये साइड और ये साइड दिया है ना, तो यानी बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू, ये पहले बी सी लिया तो पहले इसी ट्राइंगल का साइड लो, उस ट्राइंगल का मत लिख देना, तो ये हो गया ए बी और ये डी ई। अब वैल्यू पुट करो, ये 3 हो गया, ये 5, ये 4 हो गया, ये एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेशियो नहीं आ रहा कि ये 3 और 5 है तो हम काट के रेशियो निकाल पाएंगे, तो हम ऐसे करके निकालते हैं। या अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि मान लो यहाँ पे हमें 7 दे दिया जाए, ये भी दे दिया जाए, और इधर हमें नहीं दिया गया, बस एक ही साइड दी हुई, और हमसे कहा जाए इस ट्राइंगल का पैरामीटर बताइए, तो सारी साइड्स इसकी निकाल कर फिर हम उसको जोड़ कर पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो मतलब जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चीज बताएंगे। अब अगर मेरे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, ये देखिए, और ये कैसे लाइन जा रही है, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी डी और ई। आपसे कहा जा रहा है कि ए डी ट्राइंगल सिमिलर है ए बी सी के। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे लिख तो देते हैं, कहते होगा चलो मान लो, लेकिन अभी मैं आपको पहले ये भी बता देती हूँ कि ये कैसे सिमिलर है, उसके बाद वो बताने के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या रिलेशनशिप्स होती हैं।
तो क्यों सिमिलर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है पहले मैं वही बता देती हूँ आपको क्या याद रखना है जो आपके काम आएगी एग्जाम में। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि ये छोटा ट्राइंगल है ना एडीई, तो इसकी जो साइड है ये एडी हो गई कि नहीं, इधर वाली, और जो बड़ा ट्राइंगल एबीसी उसकी जो इधर वाली साइड होगी ये पूरी हो जाएगी कि नहीं, यानी एडी अपॉन एडी प्लस डीबी, ये ठीक। या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वो चीज यूज करोगे। और मान लीजिए आपको ये वाली साइड दी हुई है और ये वाली दी हुई, मैं इसकी बात नहीं कर रही, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इधर का साइड दिया हुआ है, ये बीच का नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन, या तो पूरा ले लीजिए ए सी या उसको ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, उसी हिसाब से हमें वर्क करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में जी। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे ये बताना है आपको कि एक इसमें और बनती है प्रॉपर्टी, एक तो मेरा ये बन गया, ये वाले में हमने लिखा ए ई प्लस ई सी, यहाँ वाले में देखेंगे डी ई अपॉन बी सी, यहाँ पे लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी, मतलब मैंने यहाँ फुल फुल साइड्स ली है, ये ब्रेक में ली है, ठीक है ना। और एक और भी होता है, अगर डेटा उसी हिसाब से हो तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये भी रेशियो होता है, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन होता है जो साइड हमें निकालनी होती है उसको हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि वो क्यों सिमिलर है तो वो मैं बताने जा रही हूँ, उसके बाद में इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल छोड़ना नहीं बेटा, पूरा देख लेना आगे तक, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्राइंगल की ये मतलब नींव है, समझ लो कि क्यों ये दोनों सिमिलर है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को ब्रेक करें तो ये ऐसे ब्रेक होगा, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। तो यानी ये जो एंगल ए है, ये जो भी वैल्यू हो वो तो वही रहेगी ना दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में वही रहेगी ना, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, जी क्लियर। यहां पर ये देखो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं आपस में जी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि करस फॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें दो चीजें मिल गई, जब भी दो चीजें मिल गई तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक ठीक है। अब हम जरा क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट इसका जो प्रॉपर मतलब फर्स्ट जो एग्जांपल है कि मान लीजिए ऐसे ट्राइंगल है ये दिया हुआ है और हमसे कहा जाइए एमएन की वैल्यू आप बताइए, तो यहाँ देखिए एक छोटा ट्राइंगल लेंगे और एक ये पूरा बड़ा लेंगे, क्योंकि बड़े वाले का ये दिया है छोटे वाले का ये सब दिया, यानी छोटे वाले की साइड हो गई पीएम, बड़े वाले की पूरी साइड लो PQ, यहाँ पर ये MN और यहाँ पर ये बड़े वाले की साइड QR, ठीक जी। तो PM की वैल्यू 6, PQ की वैल्यू दोनों जोड़ के यस यानी 14, और ये MN पर X हो गया, QR पे 28, तो X की वैल्यू 28 into 6 over 14, 7 2's are 14, 14 एंड 7 4 28 2 2 4, तो कितना आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। मतलब जब ये चीज गैप है, मतलब आप देखिए पूरा ट्राइंगल लिया गया, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल का था, तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये पूरा, ये ध्यान रखो। अभी मैं तुम्हें अब मान लीजिए ये पैटर्न दिया, इधर ये आधा आधा दिया हुआ, ये बीच वाली लाइन हमारे पास नहीं है, तो जैसे मैंने बताया था कि साइड्स के रेशियो निकालते हैं, तो यानी हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है जी। तो ये हो गया x प्लस टू, ये x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई,
यानी x प्लस टू x माइनस फोर x माइनस टू x प्लस थ्री मल्टीप्लाई करो x x स्क्वायर टू x फोर x एट यहाँ पर x स्क्वायर माइनस टू x प्लस थ्री x माइनस सिक्स ये दोनों कट गए. अब ये दोनों माइनस करोगे तो माइनस टू एक्स माइनस एट ये करा तो x माइनस सिक्स ये माइनस है तो हम उधर ले जाए तो बेहतर है x पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस एट प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स यानी माइनस टू और ये थ्री एक्स यानी x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री. तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि अगर ये मिडल वाली लाइन ना हो निकालने को तो हम ऐसे रेशियोज ले सकते ले लेना तो मेरा आंसर आ जाएगा. मान लो इस तरह से क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें ऐसे तीन साइड्स दिए और कहा जाए कि जो एडी लाइन है वो ये बाइसेक्टर है इस एंगल का बाइसेक्टर है इसको बाइसेक्ट कर रही है और यहाँ पर हमको ये अननोन वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद रखना कि ये जो बीडी है और ये जो सीडी है इनका रेशियो लेना होता है. तो बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू ये बीडी पहले है तो पहले हम लेंगे एबी और फिर ये सीडी बाद में तो इधर का साइड लेंगे एसी. ठीक है ये चीज याद रखना. तो बीडी में आ गया सिक्स सीडी में हो गया एट एबी में हो गया फोर एसी की वैल्यू हमको निकालनी है. एसी हो जाएगा एट इंटू फोर ओवर सिक्स तो टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स यानी सिक्सटीन बाई थ्री सेंटीमीटर. तो फॉर्मेट मेन याद रखने की हमको जरूरत है क्वेश्चन नहीं कि बीडी ओवर सीडी और ये इधर की साइड एबी और इधर की साइड ये इधर का दिया आपने इधर का साइड इधर का लिया तो इधर का साइड. नाउ वी हैव अनदर कंसेप्ट रिगार्डिंग ट्रायंगल कि मान लीजिए बेटा हमारे पास ये दो ट्रायंगल है. आई एम नॉट टेकिंग द बुक मैं अपने मन से बता रही हूँ. मान लीजिए दो ट्रायंगल ठीक है ना और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसकी एक साइड फोर सेंटीमीटर है और एक साइड सिक्स सेंटीमीटर है बाकी कुछ नहीं दिया आपको ये दो ट्रायंगल्स दे दिए गए ए बी सी एंड डी ई एफ और आपसे बस एक कंडीशन कहा गई कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड वन ऑफ द साइड्स आर गिवन ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर. इन दोनों ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर होगा उसका रेशियो बताओ. तो कुछ नहीं करना आपका जो साइड का रेशियो है साइड वन ओवर साइड टू इज इक्वल टू पैरामीटर वन अपॉन पैरामीटर टू खत्म यानी फोर ओवर सिक्स दैट इज टू ओवर थ्री. ओके खत्म यहाँ पे क्वेश्चन. लेकिन अगर अभी क्वेश्चन में दिया जाए फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो बताओ तो एरिया का जब हम रेशियो निकालेंगे ए वन ए वन ओवर ए टू तब हम क्या करेंगे क्या वो यही रहेगा क्यों ये वो नहीं रहेगा. साइड स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर करना है एरिया का नहीं करना. फोर स्क्वायर यानी फोर इंटू फोर एंड सिक्स इंटू सिक्स दैट मीन्स टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स दैट इज फोर ओवर सिक्स नाइन. और अगर वहीं पर साइड का रेशियो दिया हो और एरिया का पूछा जाए हाँ या एरिया का दिया हो और तुमसे साइड का रेशियो पूछा जाए तो आपको उसका अंडर रूट कर लेना है. साइड की वैल्यू में क्या कर लोगे अंडर रूट कर लोगे. दैट मींस इन केस साइड और एरिया में जो रिलेशनशिप है कि साइड का स्क्वायर होता है ठीक है और पेरीमीटर में क्या रिलेशनशिप है साइड और पेरीमीटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन है जिनसे मैंने जो अभी आपको बात समझाई मैं उसी को समझाने जा रही हूँ. द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 49:64 ये आपको एरिया दिया हुआ है जी. एरिया का रेशियो है ये
ठीक है, दैट मीन्स ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू 49 ओवर 64, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड, यहां पर हमने आपको बताया ये साइड का स्क्वायर होता है, यानी अगर हमें साइड निकालनी तो हमें अंडर रूट एरिया करना पड़ेगा कि नहीं, जो मैं आपको भी बता रही हूँ। दैट मीन्स रेशियो ऑफ साइड्स एस वन ओवर एस टू इज इक्वल टू अंडर रूट 49 अपॉन 64, दैट इज 7/8। क्लियर है? Yes. अगर एरिया दिया होगा और साइड पे पहुंचना है तो 7/8। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं पेरीमीटर का रेशियो तो भी 7/8, क्योंकि पेरीमीटर और साइड सेम है जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, अब उल्टा दिया है कि पेरीमीटर दिया है 22 एंड 55, रेशियो ऑफ एरिया, यानी पी वन ओवर पी टू ये दिया है 22 ओवर 55, हाँ, और हमसे पूछा गया है ए वन ओवर ए टू, तो हमको साइड पे पहुंचना है जहां पेरीमीटर एरिया हो। ओके, तो पेरीमीटर और साइड का सेम होता है जी, और ये कट गया 11/2 तो साइड वाले में क्या हो गया 2/5, और एरिया और साइड का स्क्वायर होता है जी, यानी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर, दैट इज 4/25। तो बी केयरफुल, नहीं तो इतनी आसानी में भी उल्टा रेशियो टिक लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द ट्रायंगल, कि हमारे पास अगर ये पैटर्न है इस तरीके से ट्रायंगल का, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ सिर्फ आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर ये पैटर्न है ए बी सी और डी एंड दिस इज ओ, इन दिस केस अगर ये भी 90 और ये भी 90 ऐसे करके कुछ दिया हो, तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स कहा जाए कि अगर ए ओ बी सिमिलर टू सी ओ डी, यहाँ पर जो आप रिलेशनशिप लोगे सॉल्व करने की एओ इंटू दिस इज एओ इंटू ओ डी, मैं इसको अपॉन में नहीं लिख रही हूँ नहीं तो गलत हो जाता है आप लोगों से, एओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी, ये पैटर्न आप याद रखना, ठीक है। इसी पर अगर फॉर्मेट देखो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया हुआ है ऐसे करके, ऐसे दो ट्राइंगल जा रहे हैं, ये 90 डिग्री है आपस में और यहाँ ये पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ये 7 दिया है, ये 6 दिया है, ये 5 दिया है और ये पूछा गया, ठीक। तो आप इसी पैटर्न में आप देखो तो आप इसको हटा सकते हो, ये वही पैटर्न आ गया। अब यहाँ वैल्यूज रख के आप निकाल सकते हो, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करना और 6 को 7 से, x की वैल्यू हो गई 6 × 7/5 यानी 42/5। ये पैटर्न याद रखना, अपॉन का पैटर्न नहीं बता रहे, उसमें अपॉन में कभी बच्चे इधर उधर में भी गलत कर देते हैं, तो सीधा याद रखो ये सीधी लाइन जा रही है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये सीधी लाइन जा रही है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, ओके ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं एक अगला पैटर्न और बताने जा रही हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बिल्डिंग्स विच आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इट मे बी दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर, इट मे बी पॉसिबल दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर एट अ सम डिस्टेंस डी अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल इट हाइट इज एच वन इट्स हाइट इज एच टू, इफ वी कनेक्ट दिस बिल्डिंग विद द फुट ऑफ दिस बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग विद द फुट ऑफ दिस बिल्डिंग, ओके, and we have to find this height h, what is the height of that, is there any relationship between all of these, if agar is tarah ka question hai to yahan par is d distance ka koi kaam nahi hai, yahan par mera relation aayega 1 upon h is equal to 1 upon h1 plus 1 upon h2, आप इसको डायरेक्टली लगा के भी सॉल्व कर लेंगे, अगर आपसे इस बिल्डिंग की हाइट पूछा जाए या यहाँ ये हाइट पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इसी पैटर्न के क्वेश्चन को अगर हम ऐसे चेंज कर दें, अगर ये d है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, ये a और b, या ये ओवरऑल डिस्टेंस d, या आपने इसे x माना इसको d माइनस x माना,
तो यही फिगर इस तरह से भी वहां पर आपको कभी कभी मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको कभी कभी दिया रहता है कि कोई व्यक्ति का पोल पर ये शैडो बन रहा है ना, कि अगर ये मान लीजिए कोई पोल है उसकी कोई हाइट है और ये व्यक्ति यहाँ पर कोई है जिसकी मान लीजिए हाइट एच है, ये किसी मैन की हाइट है और उस मैन की शैडो बन रही है, ठीक है ना। तो उस मैन की शैडो जब वो पोल के सामने खड़ा है तो ये इधर बन रही है, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मान लीजिए मैंने ये ए ले लिया, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये साइड लेनी है और ये साइड लेनी है। तो ये साइड एक छोटे ट्रायंगल है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक ए बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये आपको पूरा लेना है क्योंकि आपको ये बड़े ट्राइंगल का साइड लेना है, दैट मीन्स ए प्लस बी ओवर एच टू, ये रिलेशनशिप जाएगा जब आपका छोटे ट्राइंगल का है और बड़े, तो आपको पूरा पूरा इसमें लेना है, ठीक है। अब वो वाला रिलेशनशिप मैंने वो आपको बता दिया, ठीक ठीक। अब यहाँ पर एक कर किसी को ना समझ में आए तो मैं क्वेश्चन भी ले लेती हूँ कि आप ही को समझ में आ गया, हम लोग को तो कुछ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बिल्डिंग्स 25 मीटर एंड 50 मीटर एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर 100 मीटर अपार्ट, ओके, एंड वी हैव टू ज्वाइन दीज ऑफ टू दीज टू फ्रॉम द बॉटम एंड वी हैव टू फाइंड हाइट अप टू विच दे मस्ट बी इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड एच, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ 100 मीटर, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्टेंस, सो वी सिंपली राइट 1 ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 25 plus 1 over 50. Now when we solve, we get 50, 25 2s are 50, that is 3, 1, that is 3 over 50. But not 3 over 50 is not the answer. Because here we have 1 by h. So value of h is 50 by 3. Okay? In this way, you will have to write the answer. Oshadawala question bhi aap kar sakte ho. Thank you, sir.